आइए देखिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 करारी की तो क्रमागत संख्याओं का महत्व ज्ञात कीजिए। देखिए बेटा यहां पे जानने वाली बात है कि क्रमागत संख्या क्या होती है। क्रमागत संख्या का मतलब एक के बाद एक आने वाली संख्याएं, जैसे पहली संख्या जो लगी उसके जस्ट आगे वाली संख्या को क्रमागत संख्या बोलते हैं। तो करारी की दो क्रमागत संख्याओं का महत्व निकालते हैं। तो मान लेते हैं माना दो क्रमागत संख्याएं संख्याएं कौन कौन सी हैं, कोई भी अपने हिसाब से मान लेते हैं। दो क्रमागत संख्या क्या क्या है, मैंने मान लिया कि 5 और 6। अब इन्हीं दो संख्याओं का महत्व निकालो, ठीक। महत्व निकालने के लिए क्या करोगे, अब क्या करने के लिए हमको निकाल रहा है महत्व इसका किसका, 5 क्या होता है। देखिए सबसे पहले 5 को घटाएं, इसके अंदर 5 को घटाएंगे 1 बुढ़े 5, 5 से 5 और 6 घट जाएंगे 1 बुढ़े 2 बुढ़े 3। फिर दोनों में हम क्या निकालेंगे, काम घट जाए भविष्य पूर्ण घट निकालेंगे क्या आएगा, दोनों में काम क्या आया वो आया अच्छा कोई और घट नहीं आया, क्या करेंगे। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मस आएगा मस इसका किसका 5 और 6 का वो क्या आएगा। अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का जो मस आएगा वो कितना आएगा, वो हमेशा 1 आता है, ठीक है। किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का जो मस होता है वो हमेशा क्या आता है, वो हमेशा 1 आता है। बेटा आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे का जो क्वेश्चन है यानी क्वेश्चन नंबर 4 से वो हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगले वीडियो में आपसे बात करूँगा। यहाँ तक आपने जो कॉपी में नोट करते चलिए और उसको करते चलिए, ठीक है। थैंक यू।